हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए बहुत ही टेस्टी हम ये आलू और प्याज की पकौड़ियाँ बनाएंगे। इसके लिए हमने एक आलू छील के ले लिया है और दो प्याज ले लिया है। तो प्याज को हमने लंबा लंबा काट लेना है। ये देखिए इसके बीच के पार्ट को हम निकाल देंगे ताकि जब हम प्याज काटेंगे तो ये पूरा फूल जाए, मसलेंगे तो। इसके बाद ये देखिए दोनों हमने ये निकाल दिया और प्याज को अब हम महीन महीन पतला पतला और लंबा लंबा काट लेंगे इस तरीके से। तो ये हम काट लेते हैं। ये देखिए प्याज को हमने काट लिया है और आलू को जो है इसको अच्छी तरीके से धुल के अब हमने इसको घिस लेना है। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको कर लेना है, लंबा लंबा लच्छे के तरीके से हमने ये घिस के ले लेना है आलू को। तो ये भी हम घिस लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए घिस के इसको पानी में ही हमने घिसा था और इसको अच्छी तरीके से निचोड़ के और दो तीन पानी हम इसको धो लेंगे। ये देखिए इस तरीके से अभी पानी देखिए हमें बिल्कुल अलग दिख रहा है, एकदम से इसका स्टार्च निकल जाना चाहिए धुलने के बाद में। ये देखिए हमने अच्छी तरीके से धुल लिया है, एक बार और धुल लेंगे। पानी इसका एकदम देखिए अब साफ आ गया है, दो पानी हमने धो लिया है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा पानी एकदम साफ आ गया है। अब इसको अच्छी तरीके से पानी निचोड़ के हमने इसमें से निकाल लेना है। ये देखिए इस तरीके से। अब हमने ये सब निकाल लिया है। अब आलू को देखिए हमने इसमें डाल दिया बाउल में। अब प्याज को भी हमने डाल देना है। अब देखिए इसमें क्या क्या मसाले हम डालेंगे। ये हरी मिर्च हमने चार हरी मिर्च काट लिए थे, आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकती हैं। और थोड़ा सा एक इंच अदरक का टुकड़ा था उसको हमने घिस लिया था। और ये धनिया पत्ता है इसको भी हमने डाल देना है। अब इसमें ये देखिए जीरा थोड़ा सा हमने डाला आधा चम्मच। ये लाल कुटी लाल मिर्च है, ये गरम मसाला है, ये हल्दी पाउडर है और ये नमक है, टेस्ट के अनुसार नमक है। इन सबको अच्छी तरीके से हम हाथ से मिला लेंगे। अभी हमने इसमें पानी नहीं डाला है, इसको अच्छी तरीके से नमक की वजह से इसमें पानी आ जाएगा। तो इसको अच्छी तरीके से हमने इसको मसल लेना है। ये देखिए हमने ये मसल लिया अच्छी तरीके से। अब प्याज को अलग अलग कर देंगे। आप इसको सिर्फ आलू से भी बना सकती हैं, सिर्फ प्याज से भी बना सकती हैं, आपको जो इच्छा हो उस तरीके से बना सकती हैं। अब हम देखिए इसमें हमने आधी कटोरी जो है ये बेसन हमने डाला है और आधा कटोरे से भी कम है, ये चावल का आटा है, थोड़ा इससे क्रिस्प बनेगा पकौड़ी। तो इसको इसमें डाल के हमने मिलाना है और थोड़ा सा पानी डाल डाल के हम इसको मिलाएंगे। ज़्यादा पानी एक बार में हमने नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको डाल के और इसको मिलाते जाएंगे। और गाढ़ा घोल हमने इसको तैयार करना है। पहले मिला के हम देख लेंगे इसमें क्या चीज़ की कमी लग रही है तो उसमें हम डालेंगे। ये देखिए अच्छी तरीके से हमने मिला लिया है। इसमें बेसन की कमी हमें लग रही है तो थोड़ा सा बेसन हम इसमें और डाल लेना है। पहले थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। ये देखिए अभी हम इसको अच्छी तरीके से मिला दिया है हमने। अब ये देखिए इसमें थोड़ा सा बेसन हमने डाल के और मिला लिया था तो ये देखिए और गाढ़ा घोल हो गया है। इसको इसी तरीके से रखना है पतला पतला। पकौड़ी पर जब हम बनाते हैं तो इससे और गाढ़ा घोल रहता है, इसमें थोड़ा सा पतला है। अब हमने ये ब्रेड के स्लाइस लेने हैं। अब इसको देखिए इस तरीके से हमने चार पीसेस में कट कर लेने हैं ऐसे करके। ये देखिए ऐसे हमने ये काट लिया। अब इसी तरीके से सभी ब्रेड को हमने काट लेना है। ये देखिए हमने काट के तैयार कर लिया है। अब इसको शुरू करते हैं, इसमें लपेटना है कैसे हमने बेसन और प्याज का ये मिश्रण। ये देखिए इस तरीके से हमने आगे पीछे ऊपर नीचे जो है इस तरीके से हमने मिश्रण को लगा लेना है। पूरा अच्छी तरीके से लपेट लेंगे हर तरफ से और इसी तरीके से हम बना के रखते जाएंगे इस तरीके से। देखिए
पहले हम बना के रख लेते हैं, फिर एक साथ तल लेंगे। ऊपर से हर तरफ से अच्छी तरीके से लपेट लेना है हमें। ये देखिए इस तरीके से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट्स भी कीजिएगा कि कैसा बना है ये पकौड़ी। ये देखिए इस तरीके से हमने ये बना के सब रख लेना है। अब ये देखिए सब कंप्लीट हो गया है, हमने बना के ये तैयार कर लिया है। अब चलिए तलने की तैयारी करते हैं। तो हमने कढ़ाई में सरसों का तेल डाल के गरम कर लिया है, बहुत तेज़ गरम नहीं है और मीडियम से, यहाँ पर आँच को हमने मीडियम से तेज़ रखना है। और ये देखिए पकौड़ियों को हम डालते जाएंगे और इसमें तलते जाएंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इसको तलना है। इसको पलट देंगे अब हम। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी पकौड़ी बन के तैयार होगा और बहुत टेस्टी भी, क्योंकि इसमें सभी मसाले तो डले ही हुए हैं, प्याज वगैरह लेके सब चीज़ डला हुआ है। ऊपर से क्रिस्प बनेगा, अंदर से सॉफ्ट बनेगा ये पकौड़ी, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। ये देखिए अब ये गोल्डन ब्राउन होने लगा है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने गोल्डन ब्राउन करके निकाल लेना है, बहुत ही क्रिस्प बना है। अब इसी तरीके से हमने दूसरा बैच भी डाल देना है। ये देखिए इस तरीके से आराम से उठा उठा के, क्योंकि हमने पहले लगा लिया था इसलिए जल्दी जल्दी बन जा रहा है। ये देखिए इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बनाने में, बस थोड़ी सी तैयारी करके फटाफट बन जाता है। अब ये भी कंप्लीट हो गया है गोल्डन ब्राउन। ये देखिए इसी तरीके से हमने पूरा तल के निकाल लेना है। अगर आप कम तेल में इसको बनाना चाहती हैं तो तवे पर सरसों का तेल हल्का सा डाल के उस तरीके से भी बना सकती हैं। अगर तलने का नहीं मन है आपको बनाने का, कम ऑयल यूज़ करना चाहती हैं तो इस तरीके से तेल डाल के इसको गर्म होने कर देंगे। और उसके बाद ब्रेड जो है इसको, इसमें ब्रेड को हमने लगा के पेस्ट और इसके ऊपर इस तरीके से रख देंगे और इसके ऊपर से भी इसी मिश्रण को लगा देंगे और फैला देंगे अच्छे तरीके से। तो ये कम ऑयल में भी बन जाएगा बहुत अच्छे से। हल्का सा लगा के इसको गोल्डन ब्राउन होने के लिए तल लेंगे इसको। ये देखिए पेस्ट को हमने ऊपर अच्छे तरीके से फैला लिया और इसको धीमी आंच पर ही हमने पकाना है, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करना है, ताकि अच्छी तरीके से बेसन और मिश्रण सब अच्छी तरीके से पक जाए। अब इसको पलट लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन हो गया है एक तरफ से, अब दूसरी तरफ से भी इसको अच्छी तरीके से पका लेंगे। इसको इस तरीके से चार भाग रोटी का करके इस तरीके से भी बना, रोटी में भी लगा के बना सकते हैं, बच्चे अगर रोटी नहीं खाना पसंद करें तो, और ब्रेड तो खाते ही हैं, तो इस तरीके से लगा के बना लेना है। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बन के ये तैयार हुआ है। ये देखिए इसके सॉस के साथ आप सर्व कर सकती हैं। ये देखिए आपको दिख रहा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स आपको ये वीडियो देखने के लिए। इसको बच्चों को टिफ़िन में भी आप बना के दे सकती हैं।